भाई आज हम बात करने वाले हैं वर्टस वर्चुअस जो भी इसका नाम है, ऐसी कुछ आप भी आती है इसमें। रात का टाइम है, गाड़ी अभी हमें मिली है वीडियो बनाने के लिए, और थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू वगैरह हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ऐसी सी कुछ आप भी आती है, बाहर से देखने में गाड़ी ऐसी है, ज्यादा में कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन देखने में ये कलर बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये इसमें लॉक अनलॉक, और मैं चारों विंडो अगर डाउन करूंगा अनलॉक बटन दबा के, तो देखता हूँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इसमें दिया कि नहीं दिया, जर्मन में नहीं दिया, मैं इसे लॉक कर देता हूँ। साइड के विंडो वगैरह सब बंद, वो शीशे वगैरह तो बंद हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी के रोल अप रोल डाउन वाला फीचर इसमें से हटा दिया गया, अभी देखता हूँ। नहीं है भाई, इसमें काम ही नहीं कर रहा है, वो मैं दबा कर रख रहा हूँ, देख लो। ठीक है, ऐसी कुछ चाबी है, बाहर से देखने में बहुत ही बढ़िया है। बूट स्पेस वगैरह मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट रुको। बूट स्पेस के लिए इसके अंदर एक हमारा टायर पड़ा हुआ जो कि फट गया है सामने से टक्कर लग के, और इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है भाई इसके अंदर, और ये बहुत ही हल्का सा है। कवरिंग वगैरह तो दी गई है पूरी, देख रहे हो, बढ़िया TSI। और यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल डालने का पूरा सिस्टम है, अभी मैं बोनट खोल कर दिखा देता हूँ। मेन चीज़ है इसमें डी की 200 शायद इसके अंदर लगा है, नहीं लगा है बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। ओ फ्रेमलेस नहीं दे देते इसके अंदर विंडो वगैरह ये जो वे हैं, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन आप देख रहे हो। 1000 CC का इंजन है ये शायद, या 1.2 12 CC, वो मैं लिख दूंगा आपको। और नीचे की कवरिंग वगैरह पूरी हो रखी है, अब मैं चलता हूँ भाई, चलने में कैसी है। मेन तो इसमें ड्राइव है भाई फॉक्सवैगन। तो भाई अंदर बैठते हैं, अंदर से गाड़ी देखने में बहुत ही प्रीमियम लगती है। चारों ही विंडो, पावर अप पावर डाउन, पुश बटन स्टार्ट है इसके अंदर, ये मैंने दबा दिया। और गाड़ी का लाइट का थ्रो देख लो भाई साहब, कितना ही अल्टीमेट है, देख पा रहे हो। और ये मैं देख लेता हूँ वन टच डाउन, नहीं है भाई वो हटा दिया, हमारी पोलो में था वो, बढ़िया। यह मुझ पर इस पर साइन तो बना हुआ, ये डाउन गया। और इसमें ये देखता हूँ ये हाथ चीतती है कि नहीं चीतती है, रिस्क ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, वापस जा रहा है, बढ़िया है। वन टच अप हो जा भाई, ठीक है हो गया। तो भाई हैंड ब्रेक ऐसा सा आता है कुछ इसमें, और सिडान है तो देखने में, इसकी लाइटें वगैरह बंद कर देता हूँ मैं। लाइट का भाई इसमें इधर दिया जाता है, ये देख रहे हो सारी कंपनियाँ इधर दे रही हैं। इसमें ऑटो भी दिया गया है, ऑटो पे कर देता हूँ मैं फिलहाल। और ये बहुत ही शायद ब्राइटनेस इसकी कम, बंद करके देखूँ क्या। चलो मैं एक बार पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कि पीछे बैठने में मेरे हिसाब से तो ये सीट सही है, मैं पीछे बैठता हूँ एक बार फिर दिखाता हूँ। इंजन रनिंग की वार्निंग दे रहा है भाई खोलते ही, ब्लो वगैरह पड़ा हुआ है। और मैं, अरे भाई साहब ड्राइव करने में तो मज़ा है, लेकिन पीछे बैठने में उससे ज़्यादा मज़ा है भाई साहब। पीछे बैठ के तो अलग ही फील आ रहा है। दो लाइटें दी गई हैं इसके अंदर, और भाई बहुत ही मतलब बढ़िया सीट है यार ये तो। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्पेस है। देखो इधर एक ही बैग टंगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इतना स्पेस है सिडान होने के बावजूद भी। दो बंदे तो बहुत ही कंफर्टेबल, और तीन बंदे बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। और ये लो बढ़िया सनरूफ भी दी गई है इसके अंदर, हालांकि छोटी है काफ़ी, ठीक ठाक है मतलब। और मेरा सारी सुना रहा है, मेरी 5'9" हाइट है, लेकिन चार अंगल इसमें इतना गैप है फिर भी। चलिए और पीछे देखने में गाड़ी अंदर से ऐसी सी कुछ लगती है भाई, प्रीमियम तो है। चलिए अब चला के देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है भाई। और भाई ये कलर तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रहा है, स्पेशली लड़कियों को तो ज़्यादा ही पसंद है। और भाई जिनकी ये गाड़ी है वो सीट बेल्ट ऐसा लगाते हैं, ये बहुत ही वाहिया तरीका है वैसे तो सीट बेल्ट लगाने का, पर क्या ही करे, लोकल में चलने के लिए ये टेक्निक सही है। इसमें गियर डालने के लिए इसमें इधर बटन दिया गया है, इसे डाल दो ऐसे न्यूट्रल ड्राइव, और ये स्पोर्ट मोड में आ गई है। अब ऐसे करके लीवर को आप चला सकते हो। फिलहाल मैं इसे इसी में रखूँगा, एसी पूरा ऑटोमेटिक है, बढ़िया कूलिंग एकदम अल्टीमेट हो रही है। और मैं ड्राइव में करके इसे चलाता हूँ, मेन इंप्रेशन इसका ड्राइव का है। अभी हम ड्राइव में करके चला रहे हैं भाई साहब, पकड़ लेता हूँ इधर से फ़ोन। भाई गाड़ी चलने में इतनी मक्खन चल रही है ना, कुछ भी कहो। अभी मैं देखना इसको थोड़ा सा तेज़ चलाने की कोशिश करूँगा, मतलब थोड़ी सी रेस दूंगा इसकी, ज़्यादा नहीं, आगे पैच पूरा खाली पड़ा हुआ है। अभी देखना इसकी शिफ्टिंग, ये लो भाई ब्रेकिंग देखते हैं, ब्रेकिंग बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही अल्टीमेट है जिसे बोलते हैं, बहुत ही गाड़ी पता चला गियर कम में शिफ्ट हुआ। अभी ये सड़क पूरी खाली है, अभी फील करना गाड़ी गियर एकदम ऐसे ऐसे बदलती है भाई, एकदम लहम में देखो भाई, मैं तो फैन हो गया यार इसका, जिस तरीके से गियर बदल रही है ना, सब गियर DQ 200 इसने, इसका पेटेंट है खुद का, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता।
और ये इसने मुझे समझ में आ गई क्यों पेटेंट कराया भाई, वो चीज ही ऐसी है, कोई तोड़ नहीं है भाई उसका, शिफ्टिंग में कोई भी तोड़ नहीं है। हट जाओ भाई साहब, लाइटें वगैरह, पहले लाइटें वगैरह ठीक नहीं थी लेकिन अब तो बहुत ही सुधार कर दिया। अभी देखना ले वो कितना ही, और शिफ्टिंग भाई बहुत ही अल्टीमेट है, कुछ भी क्या हो चाहे कोई तोड़ नहीं है भाई शिफ्टिंग का तो। लो भाई, अरे भाई गोली है भाई ऐसा फील, मुझे शायद एग्जैक्ट इसका पता नहीं है, जीटी का तो मुझे पता है इसमें 1.5 लीटर आता है, लेकिन भाई इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कितने सीसी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल इंजन है भाई ये। मैं कह रहा हूँ कोई भी, जीटी तो पता नहीं कितनी फास्ट होगी, मैंने और चलाई नहीं है अभी तक, लेकिन मैं इसे चला रहा हूँ। हाँ, इसमें शायद आपको ज्यादा दिख रहा होगा और सामने का पैच भी अच्छा दिखेगा। तो भाई मैं जीटी का तो मुझे पता नहीं, देखो कि जीटी कैसी कितनी फास्ट है, कैसा क्या सिस्टम है, और पर ये बहुत ही टॉर के भाई, मैं कह रहा हूँ कहीं भी ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा कि इसमें थोड़ा सा इंजन मतलब छोटा है या फिर क्या, परफेक्ट इंजन है, बहुत ही इंजन बहुत ही पावरफुल है भाई। और यहाँ जाम मिल गया है, मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। हॉर्न भाई इसका वो पुरानी जो पोलो आई थी ना उसमें बहुत ही अल्टीमेट था, ओडी वाला जो हॉर्न होता है वो इसमें लगा लेना चाहिए। और भाई गाड़ी मैं कह रहा हूँ रोकेट है भाई ऐसा मन करता है कि भाई भगाते रहो बस इसे। और लाइटें वगैरह भाई इसकी पूरी एकदम परफेक्टली थ्रो करती है, ऐसा नहीं है कोई भी इधर उधर स्प्लिट हो जा रहा, कहीं भी इधर उधर वेस्ट जा रहा हो उसका थ्रो, पूरा एकदम 100% यूज हो रहा है आदमी बंदे के लिए। और भाई प्लीज रात को यार भाई भी मैं ऐसी सड़कों पे मत यूज ऑन करा करो, देखो मैं सामने वाले के मुंह पे मार सकता हूँ ऐसा, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई, आंखों में गड़ती है वो बिल्कुल भी। रात को देखो वो सामने उसकी एलईडी नहीं है पर वो हाई बीम करके आ रहा है, इसके मुंह पे मैं मार देता हूँ लाइट। ये लो ये यार इन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि बंदा हाई बीम क्यों मार रहा है, ऑन ऑफ क्यों कर रहा है लाइटें वगैरह, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। हट जाओ भाई साहब, थोड़े से साइड हो जाओ। और देखो सिडान है तो थोड़ा सा उसका तो होता ही है कि भाई गदगी वगैरह में थोड़ी सी आपको जो ना प्यार से चलानी पड़ेगी, हालांकि ये काफी इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़िया। चलते हैं भाई, मतलब पहले तो इंजन ऐसा रहता है एकदम लीनियर पावर, बिल्कुल देखो साइलेंट है, अब अंदर इंजन की आवाज आ ही नहीं रही है, थोड़ी बहुत आ रही होगी। और गाड़ी के टायर इतने अच्छे चूज करे गए हैं, जो भी है ब्रिजस्टोन पड़ा है शायद इसके अंदर, एक तो फट भी गया है, वो टक्कर लग के फट गया होगा, मैंने डिग्गी में दिखाया था जो आपको, लेकिन बिल्कुल भी अंदर साउंड बिल्कुल भी नहीं आती, हल्की माड़ी आती है। देखो ये काफ़ी बड़ा ब्रेकर सा था तो इसमें थोड़ा सा प्यार से उतारनी पड़ेगी गाड़ी को, उतर जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिडान होने के बावजूद भी ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा, सिटिंग वगैरह इतनी अच्छी है ना इसकी, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ी एकदम चलती है भाई, पता चलता है कि हाँ ठीक ठाक है, पहले की तरह नहीं है कि बिल्कुल धस गई जमीन सी में अंदर। पहले तो मैं ये सोचता था कि जीटी ज़्यादा है बेहतर, और ये बिना नॉन जीटी वाली जो होती है नॉर्मल वर्टस, इसका नाम भी मुझे ठीक से पता नहीं है, वर्चुअस बोलते हैं कुछ लोग, वर्टस बोलते हैं, फोक्स वैगन को ही वोल्क्स वैगन बोलते हैं, वो तो मुझे पक्का पता है कि फोक्स वैगन ही होता है, वर्टस वर्चुअस क्या है ये मुझे एक्चुअल में ठीक से नाम नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके लिए कमेंट खुला हुआ है। और मैं यहाँ पे देखो एकदम से भाई गाड़ी ऐसे ऐसे करके ऐसे लगता ही नहीं है कि गाड़ी को गियर डाउन कब करना है, मतलब हमें ऐसा फील हो कि नहीं यार गाड़ी गलत गियर में थी, आप रेस दो गाड़ी ऑटोमेटिक मिनटों की सेकंडों में अपने सही गियर में एकदम आपको वहीं मिलेगी जहां आपको चाहिए, जहां उसे एक्चुअल में होना चाहिए उस गियर बॉक्स को, इतना सही। मैं कह रहा हूं फॉक्स वैगन की जो ड्राइव है ना वो मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ईवी में तो आ सकता है इतना पंच जो, पर भाई ये सबके गुरु हैं यार इस मामले में, तो जो चलने में जो फील नेक्स्ट लेवल है भाई नेक्स्ट लेवल। लाइटें वगैरह थोड़ी सी इसकी कमज़ोर थी स्टार्टिंग में लेकिन अब वो बहुत ही सही हो गई है, और चलाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, जीटी लेके भी अगर मैं ऐसा चलूँगा तो भाई मैं बस खाली सड़क के इंतज़ार में हूँ, कहीं खाली थोड़ी सी सड़क मिल जाए जहाँ मैं इसका क्विक शिफ्टर आपको महसूस करा सकूँ, मुझे तो हो चुका है। और खड्डों में गाड़ी अब, हाँ देखो सिडान है तो छोटे मोटे खड्डे भी आपको पूरे फील होते हैं अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, गाड़ी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही है, धड़म देनी सी गाड़ी, ऐसा नहीं है जर्क सीधा अंदर आ रहा हो, ना ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी सीधी टच ही होगी फिर तो, और जर्क वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। और भाई मैं कह रहा हूँ पावर ऐसे निकलती आती है आपको फील ऐसा हो, और ऐसा नहीं है कि इंजन बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहा है, ना भाई फ्रीली घूम रहा है इंजन को, ऐसा फील ही नहीं होता कि गाड़ी के इंजन पे कुछ लोड पड़ रहा है। भाई मैं रेस दे रहा हूँ तो वो कह रहा चलो, क्या ही गियर बॉक्स बनाया है भाई फॉक्सवैगन ने,
काबिलियत तारीफ जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ है। ओवरऑल देखा जाए ना, गाड़ी अपने पैमानों पे जैसी फॉक्सवैगन से उम्मीद होती है कि भाई फॉक्सवैगन है तो ये सब तो होना ही चाहिए। राइड क्वालिटी पे फॉक्सवैगन का पूरा पूरा ध्यान होता है, भले ही उसकी चाबी या फिर कैसी भी हो और वो फीचर थोड़े कम देता हो। अब तो खैर वो भी सही कर दिया उन्होंने, लाइटें वगैरह भी अब सब ओके कर दी हैं पहले के मुकाबले तो। लेकिन जो राइड क्वालिटी थी उसकी, वो आज भी बरकरार है जैसी पहले होया करती थी। और भाई ये लो, हमारे पास तो पोलो थी स्टार्टिंग में 2009 वाली, और भाई मैं तब से उसे चला रहा हूँ फॉक्सवैगन का, तब से मैं दीवाना हूँ भाई। बहुत ही क्या ही मैं उसे बयान नहीं कर सकता, आप लोग चला के ही उसे फील कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और किसी भी गाड़ी में कोई भी बोले ना कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, वो गाड़ी बहुत बुरी है, ऐसा है वैसा है, एक बार फॉक्सवैगन चलाओ, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप नाइट होते ही अपने आप शिफ्ट हो जाता है, शायद मे बी हाँ अपने आप शिफ्ट हो जाता है, कलर अपने आप चेंज कर देता है। और भाई बहुत ही ट्रैफिक है, फॉक्सवैगन लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर ऐसे ट्रैफिक में। पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत ही बढ़िया, एवरेज 11 का दिखा रही है फिलहाल तो, लेकिन ये अच्छा एवरेज दे देती है, नो डाउट बहुत ही शानदार एवरेज भी निकाल देगी अगर आप लोग प्यार से चलाओगे तो। और गाड़ी अल्टीमेट चलती है भाई, कुछ भी कहो मुझे, मैं इसमें कितना भी लंबा जा सकता हूँ, सिडान होने के बावजूद भी इसमें कोई थकान मुझे नहीं होने वाली है। तीसरे गियर में गाड़ी इस टाइम चल रही है, और मैं अगर स्पोर्ट डालूंगा तो क्या है दूसरे में आएगी? नहीं, स्पोर्ट नहीं, शायद मैनुअल डाल दिया, लेकिन वो उसी में ही है, तीसरे गियर में ही है। और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जैसे AMT नॉर्मल वाले में वो एक डाउन शिफ्ट मार लेता है तुरंत, इसमें नहीं है। और तो भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दो यार, हॉर्न थोड़ा सा ठीक नहीं है यार इसका, एक तो सच बताऊं तो। और आजकल लोग सड़क पर से हटने को पसंद ही नहीं करते भाई। हाँ ऐसा स्टार्टिंग में इंजन पता पावर लगाता है हूँ करके, और फिर एकदम से इतनी पावर निकालता है वो, ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बूस्ट कहीं से उसे मिल रहा है, इतनी पावर वो एकदम से निकाल के देता है। आप हल्का सा रेस करोगे गाड़ी को और स्टार्टिंग में जब घुर्र करके गाड़ी आवाज़ करती है, मतलब अगर आप सुन पाओ तो मैं अभी देखना, और फिर वो आवाज़ चली जाती है तुरंत, जैसे उसे कुछ चाहिए था और वो मिल गया, और अब को वो कह रहा है कि चल अब चल, अब देखना ये लो ऐसा हूँ करती है गाड़ी, फिर ऐसा रॉकेट एकदम रॉकेट, ये देखो भाई गियर ऐसे चेंज करती है ना, मैं पलक झपकने में देरी कर सकते हैं, पर भाई गाड़ी गियर चेंज करने में कोई देरी नहीं करती है। ये देखना तीन है ना यहाँ पे, डाउन शिफ्ट आ गया, पता नहीं चल रहा कुछ भी, पता नहीं चलता भाई। मैं कह रहा हूँ ये जो DQ200 है ना, ये एक ऐसी चीज है भाई, ये काबिलियत तारीफ इंजीनियर ने जिसने भी बनाई है ना भाई, उसने तोड़ ही कर दिया है सच बताऊँ तो। मैं आया हूँ काफ़ी दूर से गाड़ी चलाने के लिए, मुझे आना जाना 120 पड़ेगा, लेकिन भाई मैं आया हूँ। और आपके पास किसी के पास गाड़ी की वीडियो अगर आपको बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट मेल वगैरह कुछ भी कर सकते हो, मेल की जगह कॉन्टैक्ट कर दोगे ना कि मेरे पास गाड़ी है आप उसकी वीडियो बना सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे अपना नंबर वगैरह शेयर, हम बात कर लेंगे वहाँ पे जो भी होगा आपकी गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए, और उसमें कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होंगे। अभी देखना देखो, अभी मैं थोड़ा सा बता नहीं पाया, लेकिन अभी मैं जो ना 0 से 100 करूँगा इसे, और आप लोग खुद गैस करना उसमें, देखना कितनी सेकंड में कर रही होगी ये, ठीक है। गाड़ी बंद है, ब्रेक छोड़ूंगा उसके, मैं नॉर्मली उठाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मली जैसा बंदे उठाते हैं, मतलब नॉर्मली जो आप चलाते हो उस हिसाब से, ठीक है। 1 2 3 देखो चलनी स्टार्ट होगी, आया तो गिर लो अब। एग्जैक्ट 100 ले गया था मैं, और एक टाइम पे आके जो ना इंजन बोलता है कि भाई चल, अभी देखना अब देखो ये लो भाई बहुत ही अल्टीमेट चीज है भाई ये, बहुत ही DQ200 अगर वही मैं समझ रहा हूँ ना जो इसमें है तो भाई, और कितनी स्टेबल है भाई ये, मतलब हम देख लो 100 चल रहे हैं फिलहाल। अभी देखना मैं ओवरटेक करूंगा इसे, ठीक है ले ओ। चलो भाई मैं कह रहा हूँ गाड़ी कम में गियर चेंज कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है, कितना ही टॉर्क जाती, मतलब कितना ही इंजन आवाज कर रहा हो, लेकिन शिफ्टिंग वो इस तरीके से फंसा रहा है ना, झुक दे नहीं सीखता एकदम। अभी देखो फिर से ये लो चेंज भाई,
फिर से ये लो चेंज भाई चेंज। गाड़ी जब इंजन चेंज कर रही है ना उस टाइम पे भी गाड़ी जो ना जान लगा रही होती है भाई, उसी जान लगाते लगाते में वो उस गियर चेंज कर लेती है। बहुत ही अल्टीमेट, ऐसा नहीं है कि गाड़ी अभी गियर चेंज कर रही है तो उस टाइम पे एक सेकंड का भी डिले हो रहा हो, मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे फील ही नहीं हो रहा है। गाड़ी उस टाइम पे भी मुझे पावर फील हो रही है कि गाड़ी हाँ अभी भी जान लगा रही है, अभी भी पुश कर रही है गाड़ी। अब देखते हैं भाई साहब, चलो देख रहे हो लाइट का थ्रो पूरी कटिंग आ रही है। आई भी ऑन कर लिया मैंने, अब तो कोई सामने से आ नहीं रहा भाई। गोली है भाई ये, गोली जिसे बोलते हैं। और इतना मजा आ रहा है इसको भाई चलाने में, जो फील है वो भाई, मैं तो भाई यही कहूंगा कि गाड़ी एक बार आप चला लोगे ना तो कोई दूसरी गाड़ी आपको समझ नहीं आने वाली, इतनी तगड़ी चलती है ना। और शिफ्टिंग वगैरह इतनी भयंकर है इसकी कि दीवाना बना देने वाली। इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट वगैरह भी आती हैं, बहुत ही सही चलने में। और इसको कर देते हैं पार्क में, हैंड ब्रेक मैंने लगा दिया है, स्टार्ट स्टॉप करने का यहाँ से है। अब मैं बाहर चलता हूँ, लॉक अनलॉक करने का इसमें यहाँ से है, देख रहे हो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। और भाई ये थी वर्टस की ड्राइव, एक बहुत ही अल्टीमेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और लाइटें देख रहे हो कितनी सुंदर लगती है भाई इसकी। तब तक के मिलते हैं अगली किसी वीडियो के लिए, टाटा बाय बाय।